Rhymes. I am Vaishali, he's a news trainer. Welcome to my YouTube channel, New Urban Computer Classes. तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको जितनी भी नई नई वीडियो अपलोड हो रही है वो आपको मिलती रहे। और जो आपकी आज की क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखें। तो आज की हमारी क्लास होगी सेल्फ इंट्रोडक्शन, हम अपना स्वयं का इंट्रो कैसे दें। ठीक है, स्वयं का इंट्रो कैसे दें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। जहाँ भी कहीं भी जाते हैं हम, न्यू कोचिंग में, सेंटर, इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, तो हमारा सबसे पहले इंट्रो ही पूछते हैं। तो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, किस तरह से आप अपना इंट्रो देंगे, देखिए आज वही सिखाएंगे हम आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। तो आइए शुरू करते हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। देखिएगा, फर्स्टली हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, या ऑल ऑफ यू बोल दीजिए, या फिर आपको स्पेशली अपने टीचर्स के लिए बोलना है गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड हाय माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप दोनों को ही एड कर देंगे, गुड मॉर्निंग सर एंड हाय माय डियर फ्रेंड्स, ओके, आप ऐसे बोल दीजिए। फिर सबको एक साथ बोलना है तो बोल देंगे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, तो भी सुबह में गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, एंड इवनिंग है तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इतनी बात समझ आई, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। यहाँ आपके बाद डायरेक्टली ये नहीं अपना इंट्रो देना शुरू कर दे, डायरेक्टली इंट्रो देना शुरू नहीं करना है, इसके पहले हमें ये बोलना है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहले थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर को देने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, क्या बोल दीजिए, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यहाँ गोल्डन और एड कर दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एंड और नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, और अब मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना पसंद करूंगा या करूंगी, ओके, यहाँ तक आप जरा अच्छे से बोलेगा, रिपीट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, वेल आई एम, वेल करके आप अपना नेम बताएंगे, आई एम, सपोज आपका नेम आरिया, आई एम रिया फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, आप अपना नेम ऐसे बोलेंगे, आई एम रिया फ्रॉम दिल्ली, मैं रिया दिल्ली से हूँ, ओके, क्या बोल दीजिए, माई नेम इज रिया, आई एम रिया, माई नेम इज रिया, बट आप माई सेल्फ करके ना बोलिए, माई सेल्फ, आप अपने इंट्रो में माई सेल्फ करके नहीं बोलेंगे, इनफॉर्मल तरीका होता है, इनफॉर्मल तरीका होता है, हम जो इंट्रो देते हैं फॉर्मल तरीके से देते हैं, इसलिए आप माई सेल्फ का यूज ना करें, आई एम करके बोले या फिर माई नेम इज करके बोले, आई एम रिया फ्रॉम दिल्ली, एंड अब आप अपने एजुकेशन के बारे में बताएंगे, अपने एजुकेशन में स्टडी में क्या कर लिया है और क्या कर रहे हैं, ठीक है, देखिए आई हैव डन, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट, आई हैव डन, आई हैव डन, सपोज इट आपने ट्वेल्थ कर लिया, आई हैव डन ट्वेल्थ, मैंने ट्वेल्थ कर लिया है, जो आपका क्लियर हो गया है तो आप डन में बोल देंगे, आई हैव डन ट्वेल्थ, एंड आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो आई हैव डन ग्रेजुएशन, ओके, आई हैव डन ग्रेजुएशन, ट्वेल्थ आई हैव डन ट्वेल्थ, इलेवेंथ आई हैव डन इलेवेंथ, जो भी आपने स्टडी में अपना डन कर लिया है वो आप आई हैव डन करके बोलेंगे, आई हैव डन ट्वेल्थ, भाई आपने ट्वेल्थ कर लिया कुछ कर भी तो नहीं होंगे ना स्टडी में, हाँ, तो कैसे बोलेंगे, एंड आई एम परसुइंग, एंड आई एम परसुइंग ट्रिपल सी कोर्स फ्रॉम, यहाँ आप अपने जहां से भी ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हैं उस सेंटर का इंस्टीट्यूट का नेम बताएंगे, आई एम परसुइंग ट्रिपल सी कोर्स फ्रॉम, जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ एनएसी, आई एम परसुइंग ट्रिपल सी कोर्स फ्रॉम एनएसी, मैं ट्रिपल सी कोर्स न्यू अर्बन कंप्यूटर से कर रही हूँ, ओके, दोनों को ही समझ आए, लेकिन डन बोलेंगे आई हैव डन ट्वेल्थ, एंड जो कर रहे हैं उसको हम एन यानी ओवर, आई एम परसुइंग ट्रिपल सी फ्रॉम एनएसी, ओके, अब यहाँ पे आप ट्रिपल सी कर रहे हैं, ट्रिपल सी क्यों कर रहे हैं, अब आप इसका रीजन बताएंगे, आई एम लर्निंग दिस कोर्स
माई पर्सनालिटी। आई लर्न इन दिस कोर्स, मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। आई लर्न इन दिस कोर्स मीन ट्रिपल सी, ठीक है, मैं ये ट्रिपल सी कोर्स सीख रहा हूँ बिकॉज क्योंकि आई वॉन्ट टू डेवलप माई पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं अपना व्यक्तित्व विकसित करना चाहता हूँ। डेवलप विकसित करना एंड पर्सनैलिटी व्यक्तित्व, क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू डेवलप माई पर्सनैलिटी। ऑप्शन है, ऑप्शन में आप ये भी यूज कर सकते हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट अ गुड जॉब, क्योंकि मैं एक अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहता हूँ। ये भी बोल सकते हैं डेवलप माई पर्सनैलिटी, यहाँ जो आपका एम है वो एड कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट होगा माई हॉबी इज, आपका शौक क्या है, शौक क्या रखते हैं आप। माई हॉबी इज रीडिंग, माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, मेरा शौक किताबें पढ़ना है। माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, यहाँ पर भाई आपका एक शौक यानी वन हॉबी है तो आप इस करके बोलेंगे, एंड ज्यादा है तो आर बोलेंगे माई हॉबी, लेकिन यहाँ पर आप हॉबी की जगह क्या कर देंगे, हॉबीज। माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग मैच। माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, ये तो भी सिंगल। अब आपके शौक ज्यादा है तो आप कैसे बोलेंगे, माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, प्लेइंग मैच, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग सॉन्ग, एंड जो भी आपको पसंद है वो आप ज्यादा है तो आर बोलेंगे एंड उसको एड कर देंगे, सिंगल है तो माई हॉबी इज और जो आपका शौक है वो बोल देंगे। कोई समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू बी, आई वॉन्ट टू बी, आप बनना क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या बनना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, यहाँ आप जो बनना चाहते हैं बोल दीजिए। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी टीचर, आई वॉन्ट टू बी अ इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी अ पायलट, ओके। इस तरह से आप अपना ये बता देंगे आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, कि मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आप गुड मॉर्निंग विश करेंगे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट माय सेल्फ। इतना समझ आया, हिंदी समझाओ। सबसे पहले मुझे गोल्डन अवसर सुनने आप सब देने के लिए मैं धन्यवाद हूँ देना चाहती हूँ, और अब मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना पसंद करूंगी। वेल आई एम, अपना नेम बोलेंगे, फ्रॉम जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो प्लीज एड कर देंगे यहाँ पर, आई एम हियर फ्रॉम दिल्ली। फिर बताइए अपनी एजुकेशन के बारे में, आपने अपनी एजुकेशन में क्या कर लिया है, आई हैव डन करके अपनी एजुकेशन बताएं, और जो कर रहे हैं वो आई एम परसुइंग करके बताएंगे। आप क्या कर रहे हैं, अब 12th करने के बाद ये कोर्स कर रहे होंगे तो आई एम परसुइंग ट्रिपल सी कोर्स, आई एम परसुइंग ADCA कोर्स, DCAA कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां से भी आप कर रहे हैं उसका इंस्टीट्यूट का नेम एड कर देंगे। आप जो कोर्स कर रहे हैं वो बताएंगे, आई एम लर्निंग दिस कोर्स, मैं ये कोर्स कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू डेवलप माई पर्सनैलिटी, क्योंकि मैं अपने व्यक्तित्व को विकसित करना चाहता हूँ, गेट अ गुड जॉब, अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहता हूँ, ओके। नेक्स्ट है माई हॉबीज आर, मेरे शौक है ज्यादा है, माई हॉबीज आर एंड एक है तो माई हॉबी इज। नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे आप क्या बनना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बी, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, एंड आई वॉन्ट टू बी अ पायलट, आई वॉन्ट टू बी अ इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहते हैं आप यहाँ पर उसको एड कर देंगे, एंड दैट्स इट। इस तरह से आप अपना इंट्रो पूरा बोल देंगे। इंट्रो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास जितनी ज्यादा डिग्री होगी उतना ही बड़ा आपका इंट्रो होगा। तो एक शॉर्ट फॉर्म का मैंने इंट्रो सिखाया आपको, सिंपल लेसन कुछ नहीं, इसलिए बहुत ही इजी से बहुत सिंपल सा है, ओके। आई होप आपको ये इंट्रो समझ आया होगा और आप अपना इंट्रो ऐसे ही दें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तथा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।